एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं सी अय्यप्पन की जो शॉर्ट स्टोरी है स्पेक्ट्रल स्पीच, उसके बारे में। सी अय्यप्पन एक मलयाली राइटर हैं जिन्होंने 2004 तक एक प्रोफेसर के तौर पर काम किया। उसके बाद रिटायर होकर ही डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द राइटिंग यू नो इन द दलित सेक्शन। तो वो लिखते हैं, ऑल माई राइटिंग इज क्राइंग एंड ग्नैशिंग ऑफ टीथ फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। आई सी गोस्ट एज टूल फॉर रेजिस्टेंस एंड वेनेंस। वो बोलते हैं कि जो घोस्ट है मेरी स्टोरीज में, वो एक एम्पावरमेंट का, एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं, क्योंकि जो घोस्ट हैं दोज आर ऑलरेडी डेड, उनको आप मार नहीं सकते हैं। आप जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनका आप एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, लेकिन जो घोस्ट हैं उनको आप एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। इसलिए वो एक जो एम्पावरमेंट है उसके सिंबल की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। स्पेक्ट्रल स्पीच का मतलब होता है घोस्ट स्पीच। तो जो करेक्टर्स हैं इसमें वो कौन कौन है, कुन्हे को गोपी सार, कुन्हे को सिस्टर, और जो है घोस्ट जो कि एक मेन यू नो प्रोटैगनिस्ट की तरह है जो अपना काम करती है स्टोरी में। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही गोथिक सीन से, बहुत ही हॉरिफिक सा सीन, जहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है कि एक जो घोस्ट है वो अपनी स्टोरी सुनाने जा रहा है। तो जो सबसे पहले वो अपनी सुसाइड के बारे में बताती हैं, वो घोस्ट कुन्हेको की जो बहन है, जो उनके लवर थे कुन्हेको, उसके जो अंदर है वो घुसी हुई होती है उसकी आत्मा। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई की बिलवड थी, एट द एज ऑफ 15 ही रेप्ड मी, लेकिन उसने मुझे बोला कि तुम्हें किसी को ये चीज़ बतानी नहीं है। लेकिन वो इतनी इनोसेंट थी कि 6-7 साल वो बाद वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या आप मेरे से शादी करेंगे। यू किस्ड मी एट दैट मोमेंट, तो आपको याद है वो चीज़ें। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उस टाइम पे मतलब शी वॉज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर, लेकिन स्टिल वो इतनी इमेच्योर है कि वो चीज़ समझ नहीं पा रही है कि इफ़ ही इज़ गोना मैरी हर और नॉट। सो वो अपना जो एक विल है, एक डिज़ायर है, वो प्रेजेंट करती हैं कि मुझे ना तुम्हारा जो चाइल्ड है उसे बर्थ देना है। इससे वो जो कुन्हेको है वो बहुत इरिटेट हो जाता है एंड ही हिट हर। उसके बाद क्या होता है कि जो उनका अफेयर होता है उसके बारे में सभी फैमिली मेम्बर्स को यू नो सारे नेबरहुड को पता लग जाता है, जिसकी वजह से शी गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड। ऑन द वे शी मेट गोपी सागर, जो कि उसके साथ बात करते हैं और उसको रियलिटी बताते हैं कि देखो ऐसा नहीं होता है, यू आर द सर्वेंट एट देयर हाउस, और जो कुन्हेको है वो एक हाइयर कास्ट से बिलोंग करता है, सो यू पीपल जस्ट कांट यू नो गेट टुगेदर इन लाइफ, और तुम्हारा शादी नहीं हो सकता है उसके साथ। तो उसको रियलिटी बताने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल वो जाती है कुन्हेको के पास। लेकिन हमेशा की तरह वो फिर उसे मिसट्रीट करता है और एट द एंड वो इतनी परेशान हो जाती है कि शी कमिट सुसाइड। देन शी टेल कि कुन्हेको को क्यों मारा गया। फिर वो अपनी स्टोरी से कहाँ पे आती हैं कि कुन्हेको को क्यों मारा गया, उनके जो फादर हैं उन्होंने क्यों मारा कुन्हेको को। लेकिन वो जो बताते हुए ना वो बहुत ही हैप्पी और रिलीव्ड सी दिख रही हैं। स्टार्टिंग में वो रिजिस्ट नहीं कर पाती थी जब कुन्हेको उन्हें मारता था या फिर कुछ भी अब्यूज़ करता था। स्टार्टिंग में शी वॉज़ वेरी यू नो सब्जुगेटेड बाय हिम, लेकिन अभी वहाँ पे जो वो एक घोस्ट के रूप में आई है, अभी वो थोड़ी एम्पावर्ड दिख रही हैं और वो हैप्पी फील कर रही हैं कि ओ एट लास्ट चलो उसकी भी मौत हुई। तो फिर वो बताती हैं कि जब 16 दिन हो गए थे मेरे बरियल को, तो मैं अपनी ग्रेव से निकल कर आई और मैं जो है वो तुम्हारी बॉडी में एंटर हो गई। वो कुन्हेको की सिस्टर को बोल रही हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी में एंटर हुई और एक दिन मैंने देखा कि कैसे जो कुन्हेको है वो तुम्हारे रूम में आ रहा है, और इसे ही देखकर कि यू कुन्हेको वो स्लीपिंग हगिंग यू, इसलिए जो तुम्हारे फादर हैं उन्होंने उसे मार दिया। मतलब वो एक रियल सेंट है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जो मेरे अत्याचार हैं उन सबका बदला लिया है। फिर वो ये भी रिवील करती हैं कि जो उनकी मदर है, वो गोस्ट रिवील करती हैं कि जो उसकी मदर है उसको भी रेप किया गया था बाय हर बाय दिस कुन्हेको'स ब्रदर, कुन्हेको'स फादर्स ब्रदर एक्चुअली। तो फिर वो बोलती हैं कि देखो अब जो था वो तो हो चुका है, अब तुम क्या करो कि जो मेरी ग्रेव है उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स डाल दो, ताकि मैं अपने जो ग्रेव है उससे बाहर ना आ सकूं। तो बेसिकली यही बोलती है वहाँ पे जो कुन्हेको की सिस्टर है कि मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कुन्हेको को, लेकिन अब मेरी उससे भी कोई मिलने की इच्छा नहीं है। मतलब कि वो जो ये सारा मोह माया था ना यहाँ पे जब वो ज़िंदा थी, कि उसके लिए रोना और उसके लिए सारे सेक्रीफाइसेस करना, अब उसने सब छोड़ दिया है। और स्टार्टिंग से ही मैंने बताया कि वो थोड़ी सी एम्पावर्ड दिख रही है, क्योंकि जो अय्यप्पन है वो अपनी घोस्ट की इमेजेस से यही शो करना चाहते हैं कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो मरने के बाद ही दे कैन गेट सम पावर, वो तभी एम्पावर्ड होते हैं तब जब वो घोस्ट बन जाते हैं। अदरवाइज़
जब वो ज़िंदा होते हैं वो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो एक कल्चर है वो ही ऐसा है कि तुम्हें सिर्फ चीज़ों को सहते रहना है, किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि तुम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो और लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको कोई राइट नहीं है अपनी आवाज़ उठाने का. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, होप यू अंडरस्टूड दैट. सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच.